गाइस आज बनने वाली है फिश। आज बनेगी ये, इसको टेंगड़ा फिश बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ये एक फिश बनेगी और एक फिश है, ये है कातला जिसको कहते हैं, रूही फिश फिश एक्चुअली मेरे ख्याल से, सो इसको कातला कहते हैं। तो ये दो फिश आज बनेगा क्योंकि मेरी बेटी को फिश बहुत पसंद है, सो आज दोनों का ही बनेगा। इसका प्रिपरेशन बहुत बहुत डिफरेंट सा एक टेस्टी प्रिपरेशन होता है, आप लोग देखिए। सो पहले नमक और हल्दी इसमें डालेंगे। गाइस पहले इसको अच्छे से नमक और हल्दी लगा के मिक्स कर लेंगे। दोनों फिश को भी पहले फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं इसको भी थोड़ा सा नमक मिर्च लगा लूँगी, नमक हल्दी। एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी वीकेंड टू ऑल। सो आई होप आप लोग सभी अच्छे हैं। सभी का वीकेंड में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंड का मौसम है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंडी है, तो सभी का घूमने का प्लान डेफिनेटली होगा। मेरा तो जैसे घूमना बंद ही हो चुका है, सैटरडे संडे को मैं कभी भी घर पर नहीं रहती, लेकिन अभी एक मतलब हर चीज़ में मेरा सब कुछ बंद हो चुका है, बिकॉज एक तो अभी नहीं है, सेकेंड बेटी का पूरा पूरा ये महीने एग्जाम रहता है, बिकॉज पूरे गर्मी मतलब गर्मी नहीं मतलब पूरे ये पूजा वेकेशन और काली पूजा में इतनी ज़्यादा मस्ती कर ली है ना कि अभी 2 महीने मतलब चाह के भी मैं बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि बेटी का एग्जाम है। गाइस कुछ नहीं कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इतने दिन मस्ती कर ली तो थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी घर में रहना ही पड़ेगा। सो मैंने अभी खाना चढ़ा दिया है, मतलब खाना बना रही हूँ आज, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में थोड़ा सा फ़िश, मेरी बेटी को फ़िश बहुत पसंद है, इसलिए फ़िश थोड़ा सा बना रही हूँ। एंड फ़िश बनेगी दाल सब्ज़ी ऐसी नॉर्मल, मेरे लिए एक सब्ज़ी बनेगी मैंडेटरी क्योंकि मैं फ़िश खाती हूँ, खाऊँगी आज थोड़ा सा भी खाऊँगी, थोड़ा सा खाती हूँ, एक दिन जिस दिन बनता है उस दिन खा लेती हूँ। सो हमारे बंगाली में बहुत सारे रिचुअल हैं, मेरी मम्मी जैसे मुझे बोलती है कि आप मैरिड हो तो, क्योंकि मतलब मछली को बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ शुभ माना जाता है ना, हर काम में मछली का होता है, तो मम्मी क्या बोलती है कि अगर मछली जिस दिन बनाते हो उस दिन थोड़ा सा होने से भी आपको खाना चाहिए, ये नियम है, तो इसलिए जिस दिन बनती है उस दिन मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, बस उसके बाद दिन से मैं नहीं खाती, बेटी के लिए ही रहता है। तो सैटरडे संडे को ही मैं फिश करती हूँ क्योंकि वो मतलब उसको टाइम मिलता है, खा पाती है, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल डेज में वो फिश वगैरह खाने का टाइम कहाँ है, काम मिलता ही नहीं है, रात को आके रोटी वगैरह चावल जो भी और जल्दी जल्दी खा लेती है। तो ये गाइस मैं भी खाना बनाऊंगी, बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। वीकेंड का क्या प्लान है आप लोग सभी का? मेरा तो सिर्फ घर में बैठने का प्लान है जो कि मुझे बहुत बोर लग रहा है। एक तो पहली बार कि वेदर इतना अच्छा है उसमें घर में बैठे रहो, मतलब इट्स हाईली अनलाइक मी, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसे वेदर में मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी से भाग जाऊँ बाहर कहीं दिन भर के लिए, कहीं घूमो फिरो खाओ पियो और घर में आ जाओ। एनीवेज अभी तो घर में ही रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून गाइस, देखते रहिए मेरी वीडियो एंड देखिए कि मैं पूरे वीकेंड मतलब मेरा बोरिंग वीकेंड कैसे मैं गुजारती हूँ देख भर में। सो स्टे ट्यून गाइस। जब आएगी तब उसको भी आएगा, तो आज बहुत सारा फिश हो गया। तो ये मेरे पिंडी का फिश है, जब आएगा तब मैं दूंगी, बाकी वाला जो फिश है इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। तो गाइस वो जो छोटी मछली है उसका मसाला बनेगा, उसके लिए हरी मिर्ची ब्लैक पेपर, बहुत टेस्टी और बहुत तीखा बनता है ये,
और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। पहले मैंने ये मसाले बना रही हूँ, यहाँ पे जीरा है, ब्लैक पेपर, मिर्ची, ये सबको ना सूखा पहले मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, नहीं तो फिर वो ना पेस्ट नहीं होता अच्छे से। उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी, जस्ट एक टमाटर डालूंगी, क्योंकि इतना जो मेरा मछली है इसमें एक टमाटर से बन जाएगा। सो इसको मैं बाद में डालूंगी, पहले इसको ड्राई थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं टमाटर डालूँ। पेस्ट बन के रेडी है गाइस, मैंने इसमें टमाटर डाल लिया था एंड ये वाला पेस्ट रेडी है। ये बनेगा, ये छोटी मछली का मसाला है, तो ये मतलब बहुत अच्छा टेस्ट बनता है एंड ब्लैक ब्लैक कर, मतलब जो इसका कड़ी जो होता है एकदम ब्लैक ब्लैक बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। सो अब तेल में डालेंगे, हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी, मिर्ची एंड अब डालेंगे मसाला। नमक, हल्दी, थोड़ा सा, अब ना ये सबको थोड़ा सा बस थोड़े नहीं, बस यही मसाला है, इसमें आलू नहीं डलता है, ये वाला जो मछली है एकदम सूखा सूखा बनता है। बस इसको अब थोड़ा सा मसाला को पकने के लिए रख देंगे, बस पक जाएगी। इन द मीनवाइल मैं मेरी सब्जी बनाऊंगी, जो कि है परवल आलू की सब्जी। यहाँ पे बनाऊंगी मैं परवल आलू की सब्जी। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11:30, ऑलमोस्ट 11:30, और मेरा अभी तक खाना नहीं बना है। गेस व्हाट, मैं जितनी बार भी मैं शूट करने जा रही हूँ, मतलब आज छुट्टी है तो हबी का 2-3 बार मतलब फ़ोन आता जाता है, मतलब आता रहता है, उसके बाद फिर मम्मी का फ़ोन आ रहा है, फिर और भी घर में जो भी है सब मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आता है कि अगर कुछ प्लान बनता है लेकिन मेरा तो अभी बंद है 2 महीने के लिए, एटलीस्ट ये महीना तो बंद ही है। सो ये है गाइस, बहुत लेट हो गया, इसलिए मैंने क्या किया, मैं यूजुअली यही करती हूँ कि एक साथ मैं सब आइटम्स बिठा देती हूँ, एक साथ चढ़ा देती हूँ खाना बनाने के लिए, नहीं तो फिर ना वो एक एक करके बनाओ बहुत लेट लगता है। तो यहाँ पे मैंने परवल आलू की सब्जी बनाई मेरे लिए, यहाँ पे मछली बन रहा है, यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाया इंडक्शन में मैंने बिठा दिया है, और एक मछली, ये वाला जो मछली है, ये वाला फिश बनना बाकी है, इसका मसाला बनना बाकी है, ये वाला हो चुका है, तो हो जाए फिर मेरा खाना कम्प्लीट। मेरी बेटी, घर तो वैसे साफ सफाई हो गई है, मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, सो यही है इसका जीवन अभी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। कितने चैप्टर्स हुए? कितने चैप्टर्स हुए? 1। ये हालत है, छुट्टी के दिन भी बेचारी को पढ़ना पड़ रहा है, नो रेस्ट, नथिंग, ना गाना सुनना है, ना टीवी देखना है, ना डांस करना है। मेरी बिल्ली भी नहीं मिल रही है, उसका फिश मैं निकाल के रखी हूँ लेकिन वो कहाँ है मैं ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ, मैं उसको, वो कहाँ भाग गई है एंड दिख ही नहीं रही है मुझे। कहीं नहीं है, ये बन के रेडी है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे एंड मैंने मिर्ची भी डाल लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची भी डाल लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है ये। देखिए बर्तन कितने अच्छे से चमक रहे हैं, बिल्कुल भी कोई दाग नहीं है, ये ऊपर जो दाग था देखिए मैंने पूरा निकाल दिया, एकदम सोने जैसे चमकते रहते हैं। तो ये वाला जो पाउडर है ना, जो पीताम्बरी पाउडर मैं जो डालती हूँ, इससे बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, ये वाला पाउडर मैं इसमें डाल के रखा है मैंने, ये वाला पिंक कलर का होता है, ये ना बहुत अच्छे से भगवान का जो बर्तन है, रोज़ तो ऐसे नॉर्मल मांजते हैं और जो एक दिन जैसा होता है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम लोग, मैं इस चीज़ से मांज लेती हूँ तो फिर ये बर्तन इतने क्लीन हो जाते हैं भगवान के। बहुत पुराने बर्तन हैं, ऐसा नहीं कि बहुत नए हैं, बट ये बर्तन को आप जितना धोएंगे उतना अच्छा है। देखिए कितना क्लीन हुआ है और कितना अच्छा सा साफ हुआ है, सामने भी पीछे भी देखिए।